छात्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में क्रमचय और संबंध संचय जो आपका अध्याय एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है उसे लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपका ये क्रमचय या संचय होता क्या है। अगर बात क्रमचय की जाए तो दी हुई वस्तुओं में से क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना आपका कहलाता है क्रमचय। जो वस्तुएं आपको दी जाएंगी उनका हमें क्रम का ध्यान रखना है, उनमें से कुछ वस्तुएं चुननी या सभी वस्तुएं चुननी है तो वो आपके क्या कहलाएंगे क्रमचय। ठीक दूसरा आपका जो है संचय, जो आपको वस्तुएं दी जाएंगी या दी हुई वस्तुओं में से बिना क्रम का विचार किए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना आपका क्या कहलाता है संचय। अगर इनमें अंतर की बात करें तो क्रमचय में हमें क्रम का ध्यान रखना होता है और संचय में उनके क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना होता। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि मान लिया कि पांच संख्याएं 2, 3, 4, 8 और 9 जिनमें से दो अंकी संख्या बनानी है जो निम्न प्रकार बनेगी। कैसे बनेगी दोस्तों? पहले तो हम यहाँ लिख देंगे 2, 2 रिपीट कर देंगे, फिर एक बार 2, 3, फिर 2, 4, फिर 2, 8, फिर आपका 2, 9। दूसरी लाइन जो आपकी होगी वो आप होगी 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 8 और 3, 9। अगला आपका बनेगा वो होगा 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 8 और 4, 9। यहाँ से अब अगले जो आपके बनेगी 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 8 और 8, 9। लास्ट जो आपकी बनेगी वो होगी 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 8, 9, 9। अगर इन टोटल संख्याओं को गिना जाए, ये देखो पांच इसमें आ रही है, पांच यहाँ है, तो कुल जो संख्याओं के समुदाय बने, वो आपके पास बन गए 25। अब इसमें मैंने ये देखा कि जैसे यहाँ 23 लिखा, 23, और दूसरा जब इनका क्रम बदल दिया तो आपका बना 32। अब इनमें देखना 23 और 32 में क्या कोई अंतर है? बिल्कुल है, ये 23 और 32 में 9 का अंतर है। ऐसे कोई भी संख्या जैसे मैंने यहाँ पे 28 उठा ली और 28 के जब अंक बदल देंगे तो आपकी बनेगी एक संख्या 82 जो आपकी ये। इनमें देखो कोई अंतर आ रहा है? बिल्कुल अंतर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है अगर संख्याओं का क्रम बदलने से उनमें अंतर आ जाए, क्रम बदलने से अगर अंतर आ जाए तो आपका क्रमचय है, और इनका क्रम बदलने से अंतर नहीं आता तो आपका संचय। तो ये आपका अगर यहाँ पर क्रमचयों की संख्या पूछी जाती है आपसे, क्रमचयों की संख्या, तो वो आपकी कितनी होगी? 25। तो वो आपका था क्रमचय। अब संचय का जो उदाहरण हमें क्लियर करना है, एग्जाम्पल दो दिया, दी हुई चार पुस्तकों अंग्रेजी, इतिहास, गणित एवं विज्ञान में से कोई दो पुस्तकें हमें चुननी है। यहाँ किताबें कितनी दी गई हैं? कुछ चार, एक अंग्रेजी की है, इतिहास की है, गणित की और विज्ञान, इनमें से कोई दो पुस्तकें चुननी है। तो जो हमारी दो पुस्तकें होंगी या जो दो पुस्तकें हम चुनेंगे उसके निम्न तरीके होंगे, यानी दो पुस्तकें चुनने के
तरीके। फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, एक बार अंग्रेजी को लिया, अंग्रेजी के साथ हमने इतिहास ले लिया, अंग्रेजी के साथ इतिहास एक नंबर दिया। दो नंबर पे मैंने क्या दिया, अंग्रेजी के साथ गणित ले लिया, अंग्रेजी के साथ क्या लिया, गणित। नंबर तीन क्या दिया, अंग्रेजी के साथ विज्ञान ले लिया, अंग्रेजी के साथ विज्ञान। अब मैंने क्या किया, इतिहास के साथ गणित ले लिया, इतिहास के साथ गणित। फिर मैंने क्या किया, इतिहास के साथ विज्ञान ले लिया, इतिहास के साथ विज्ञान ले। फिर मैंने क्या किया, इतिहास के साथ विज्ञान ले ली और फिर गणित के साथ विज्ञान ले ली। नंबर छह पे क्या किया, गणित के साथ विज्ञान। अब यहां देखिए, जो टोटल क्रम बना मेरा 1 2 3 4 5 6, यहां पर अगर देखा जाए, जैसे अंग्रेजी के साथ इतिहास लिया था, या यहां इतिहास के साथ अंग्रेजी ले ली, तो विषय तो आपके वही रहते थे, क्या विषयों में कोई फर्क पड़ता है इनका क्रम बदलने से। ऐसे ही अंग्रेजी के साथ मैंने यहां लिया था, अंग्रेजी के साथ आपका गणित लिया था। अब मैंने क्या किया, गणित के साथ अंग्रेजी ले ली, और देखो पहले भी अंग्रेजी गणित था, अभी अंग्रेजी गणित है, यानी क्रम बदलने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। यानी क्रम बदलने से जब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपका होता है संचय। और अगर यहाँ आपसे पूछा जाए तो कुल संचयों की संख्या क्या है, तो कुल संचयों की संख्या क्या होगी, की संख्या 6। थैंक्स फॉर वॉच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट।